There is a no right way and there is a no wrong way. आप जैसे भी फैशन इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. बहुत से लोगों के दिल में दिमाग में ये थॉट होता है कि फैशन इलस्ट्रेशन को बहुत ही रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करके करना चाहिए. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक तरह का आपने अपने दिमाग में बना के रखा है. और आज मैं आप लोगों को फ्री हैंड फिगर बनाना बता रही हूँ, जो कि आपको मेज़रमेंट्स को फॉलो करते हुए मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपने जो इमेजिनेशन को उसको पेपर पर वर्क करना चाहिए. डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पोजेज आप बना सकते हैं. सिर्फ आपको हल्के से जो पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट आउट कर लेना. सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कितना लॉन्ग फिगर बनाना चाहते हैं आप. 10 हेड का, 12 हेड का, जितना भी आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले लें. तो मैं यहाँ पर आपको 10 हेड फिगर ड्रॉ करना बता रही हूँ. सो सबसे पहले हमने एक 10 इंच की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है. फिर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. और जैसा कि आपको पता है 1 इंच में हमारा हेड पोर्शन आता है और 2 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट आता है, 3 पर हमारा वेस्ट पॉइंट आता है, 4 पर हमारा हिप पॉइंट आता है और 6-7 के बीच में हमारा नी पॉइंट आता है. और या फिर आप 6 इंच पे भी अपना नी पोर्शन जो है वो ले सकते हैं. सो इस तरह से जो पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रख लेना है और अपने हैंड को बहुत ही हल्के हाथों से मूव करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ. और आपको जो मेज़रमेंट है, लाइक हमें पता है हमारे शोल्डर जो है 10 इंच में हम 0.75 दोनों साइड लेते हैं, वेस्ट में हम 0.5 दोनों साइड लेते हैं और हिप पे 0.75 यानी कि टोटल जो हमारा मेज़रमेंट होता है 1.5 इंच और फिर 1.5 इंच का होता है. और इसको अब अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखकर इस तरह से कर सकते हैं. और जब आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एकदम इसको पेपर पकड़ते ही आपको अंदाज़ हो जाएगा कि हाँ इतने में हमारा 10 इंच फिगर बनेगा, इतना इसका शोल्डर जाएगा, इतनी इसकी वेस्ट जाएगी, इतना इसका हिप जाएगा. सो ये ट्यूटोरियल उन बिगनर्स के लिए है जो कि बिल्कुल उनको लगता है कि फैशन इलस्ट्रेशन की जो फैशन फिगर है उनको बनाना बहुत ही टफ है. तो मैं आज के इस वीडियो में इतने इजी वे में बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आपने कभी भी ब्लॉक फिगर पे प्रैक्टिस नहीं की है, फ्लैशिंग पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप इस फिगर पर एक बार या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. आप बस देखते रहिए इस वीडियो को बिना स्किप किए, ध्यान से कैसे मैं पेंसिल को मूव कर रही हूँ और कैसे अपने हैंड को जो है एक ही डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में, कहाँ पर मैं थोड़ा सा नैरो जा रही हूँ, कहाँ पे थोड़ा सा वाइड जा रही हूँ, कहाँ पे मैं अंदर की ओर ले रही हूँ पेंसिल, कहाँ पे मैं बाहर की ओर ले रही हूँ. पहले एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना और बार बार प्रैक्टिस करना. और एकदम बेसिक फिगर बता रही हूँ मैं आपको, कोई मूवमेंट फिगर नहीं बता रही हूँ, इसीलिए कि आप लोगों को कोई डर ना हो कि मैम ने कर लिया हम नहीं कर पाएंगे. सो ये जो क्लासेस हैं वो मेरा मोटिव ही यही था आप लोगों को बताने का कि आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी अच्छे से अच्छा इलस्ट्रेशन कर सकते हैं. बस आपको एक प्रॉपर और सही गाइडेंस की ज़रूरत है. सो वो मैंने आपको यहाँ पर इन बेसिक क्लासेस के साथ जो है वो दिया है. आज आपकी ये क्लास 30 है और आज आपकी जो बेसिक क्लासेस फॉर बिगनर्स थी वो एंड हो रही हैं. और आई थिंक आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इन बेसिक क्लासेस में और आप लोग का काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है. ट्रस्ट मी, मैं आप सभी का वर्क जो है देखकर अब बहुत खुश होती हूँ. आप लोग इतने अच्छे से अपने एफर्ट्स लगा के अपने काम को करते हैं और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों का वर्क चैनल पर शेयर भी करूँगी, क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट है कि मैम हमारा वर्क जो है चैनल पर दिखाएँ. तो मैं आपका वर्क दिखाऊंगी चैनल पर, बट मैं चाहती हूँ कि और भी जो नए बच्चे हैं वो भी जल्दी से जल्दी अपना काम जो है वो कंप्लीट करके मुझे भेज दें. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का काम दिखाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा. और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो सब मुझे एक बार इंस्टाग्राम पर आज कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लें. और जिनका वर्क जो है मुझे डेली मिलता है वो आज की इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आज ही मुझसे अपना सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं. और जिनका भी वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले. मैं आपको 1 जुलाई तक का टाइम देती हूँ और आप लोग 1 जुलाई तक हर हाल में अपना काम कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिए,
क्योंकि आप लोगों को पता है क्लासेस इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप एक ही दिन में चाहें तो एक दिन में बैठकर मन लगाकर सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्लासेस हैं और आप लोगों के लिए आई थिंक 6 डेज इनफ हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना काम करके मुझे सबमिट कर दें 1 जुलाई तक। और जो कुछ नए बच्चे हैं, जैसे मुझे कल एक DM आया था कि मैम मुझे आज ही आपकी क्लास मिली है और मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग आपसे सीखूँ और मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो मैं उन सभी बच्चों से जो आगे चल के ये वीडियो देखेंगे या जो अभी अभी नए 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 चैनल से जुड़े हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगी आप जो है कभी भी अपना जो बेसिक क्लास का कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज है, वीडियो के एंड में मैं इसको दे दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन हर जगह जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वीडियो की लिंक देखकर, वीडियोस देखकर अपनी जो क्लासेस हैं 30 क्लासेस जो मैंने कंप्लीट कराई हैं उनको कंप्लीट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर मुझसे सर्टिफिकेट कभी भी ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शर्त मेरी यही है कि आपको पूरा वर्क जो है वो मुझे कंप्लीट करके दिखाना होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएटिवली आपको अपना वर्क जो है वो सबमिट करना है। कुछ भी ऐसे ही उल्टा सीधा बनाकर मत भेजना, जैसा कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मुझे वर्क जो है वो क्रिएटिव चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। और मैं मंथ ऑफ जुलाई में 2 कंपटीशन लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले आप लोग कुछ सीख लें फिर जो है वो मैं कंपटीशन कराऊँ, तो ज़्यादा उसका जो है एफर्ट्स देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपने कुछ सीखा ही नहीं है तो फिर मैं कंपटीशन किस बेसिस पे करा दूँ। सो जुलाई के मंथ में आपकी 2 कंपटीशन होने वाली हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लें। इससे क्या होगा कि आपको हर डिटेल मिलती रहेगी, हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लें। और आज की ये क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो भी बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आपके नॉलेज में हैं, सो उनके साथ भी ये वीडियोज़ जो है ज़रूर शेयर करें। आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक है। आई थिंक जिन्होंने कभी भी फैशन इलस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस वीडियो को देखकर फैशन इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पहले आप एक जो है अपनी पूरा बेस तैयार कर लें, जैसे कि हमने अभी किया है। उसके बाद आप इसको चाहें तो आप इसकी शेपिंग कर सकते हैं और इसको और भी अच्छे से जो डिटेलिंग है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको जितना अच्छा हो आप बना सकते हैं। बट पहले आप एक जो बेस जो है इसका वो तैयार कर लें और फिर किसके बाद में आप इसमें जितनी चाहें उतनी डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं और इस फिगर को इन्हेंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं हल्के हल्के से आपको जो है डिटेलिंग भी दिखा दे रही हूँ करके। मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको बनाने के बाद इसको इरेज करने वाली हूँ, क्योंकि इसी क्लास में मैं आपको एक बोनस क्लास भी दे रही हूँ। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था जो भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनको मैं एक क्लास देना चाहती हूँ, स्पेशल क्लास। बट जो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है उनकी भी रिक्वेस्ट है कि मैम हम आपके हर वीडियो देखते हैं, प्लीज़ हमें भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। तो मैंने कहा ठीक है, तो सारे स्टूडेंट मेरे लिए इक्वली हैं। सो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसी क्लास में मैं जो एक बोनस क्लास देने वाली थी रजिस्टर्ड मेंबर को वो मैं इसी में इंक्लूड कर दूं। सो सबसे पहले मैं इसको जो फिगर बनाया इसको इरेज कर देती हूँ। सो जब भी हम इंटरनेट पर कोई फैशन फिगर देखते हैं, जब वो आउटफिट पहने हुए होते हैं, तो आप लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं, कई बार आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले हैं कि ब्लॉक फिगर बनाना ज़रूरी है और जो फ्लैशिंग है फिर उसके बाद वो डिटेलिंग करना, रोबोटिक फिगर बनाना, स्टिक फिगर बनाना, ये सब ज़रूरी होता है क्या हर फिगर में? तो ये सब ज़रूरी होता है जब आप एक बिगिनर होते हो, जब आपने एक बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं होती है। और इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद आई नो आप लोग बहुत अच्छे से एक एक मेजरमेंट को समझ चुके हैं, स्टिक फिगर को समझ चुके हैं, रोबोटिक फिगर को समझ चुके हैं। आपको हर चीज़ समझ में आ चुकी है कि कैसे जो है इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है एक फैशन फिगर बनाने में।
सो जब ये सारी चीज़ें आप लोग सीख लेते हैं, जब आप बिगनर्स नहीं रहते हैं, जब आपको हर नॉलेज हो जाती है, तब आपको एक पोजीशन पूरी पता होती है फिगर की कि कहाँ पे किस कौन सी चीज़ होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। और फिर इसके बाद आप लोग एक तरह से एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि यहाँ तक हमारा हिप आएगा, यहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट होगा। सो इसके बाद आप क्या करते हैं कि आपको ये सारी थिंग्स जो है वो बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है कि आप पहले ब्लॉक फिगर बनाएं, फिर उसका रोबोटिक फिगर बनाएं या स्टिक फिगर बनाएं, फिर उसकी फ्लैशिंग करें, उसके बाद उस पर आप जो है कोई भी डिज़ाइन बनाएं। सो इस बोनस क्लास में मैं आप सभी को जो बताने वाली हूँ वो यही है कि आप बिना किसी स्टिक फिगर, ब्लॉक फिगर या फिर रोबोटिक फिगर के अपना जो आउटफिट है वो कैसे तैयार करें। सो जो हमारे मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपको बॉडी शेपिंग करनी है, और अपना जो भी आउटफिट आप डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसको अभी आपने इमेजिनेशन किया है, उसको आप पेपर पर बिना किसी रोबोटिक फिगर या फिर फैशन फिगर के आप इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये कंडीशन आपके हर फिगर में जो है वो हर ड्रेस में लागू नहीं होगी, क्योंकि आप लाइक अगर कुछ शॉर्ट ड्रेस बना रहे हैं, लाइक आप मिडी बना रहे हैं या प्रॉम ड्रेस बना रहे हैं, या फिर कुछ बस्टियर पे कुछ अलग दिखा रहे हैं, साथ में स्कर्ट बना रहे हैं, आपको जो है टमी एरिया शो करना है, तो उस कंडीशन में आपको जो है फिगर बनाना होगा। बट जो मैंने सबसे पहले आपको तरीका बताया है, आप उस तरीके को फॉलो करके बना सकते हैं। और अगर आप कोई फ्लोर लेंथ गाउन बनाने वाले हैं, सो इसके लिए आप इस जो है ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपना आउटफिट जो है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको एक गाउन जो है वो ड्रॉ करके बता दे रही हूँ। सो ये जो गाउन है वो हमारा किस तरह से, ये हमारा बॉडी फिटेड है नी पोर्शन तक, एंड उसके बाद इसमें जो है वो फ्लेयर ऐड है। सो कुछ इस शेप में मैंने इस गाउन को ड्रॉ किया है। आप किसी भी कोई भी गाउन अपने अकॉर्डिंगली बनाकर मुझे भेज सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाकर भेजें, आप अच्छे से कुछ भी ड्रॉ करके मुझे भेज सकते हैं। बट जो मेरा एक मोटिव है आप लोगों को बताने का, आई थिंक वो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो जब भी आप कोई आउटफिट ड्रॉ कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको पहले जो है अपने पेंसिल को बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मूव करना है। पहले आपको एक रफली टेक्सचर जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने इलस्ट्रेशन का, कि आप कैसा लुक चाहते हैं वो लुक पहले आप हल्के हल्के से ड्रॉ कर लें, और उसके बाद ही आप इसकी आउटलाइनिंग करें या फिर इसको जो है HB पेंसिल से इस पे आगे की ओर काम करें। सो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है, जैसे कि मुझे कुछ इसी तरह का रैंडमली डिज़ाइन आई, सो मैंने कुछ ऐसे ही रैंडमली डिज़ाइन कर दिया। सो बट आप कुछ भी करें तो अच्छे से सोच समझ के करेंगे। सो अपना जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको ड्रॉ करना है। और ये लाइन जो है वो 10 इंच की, उसको भी मैं अब इरेज करके हटा देती हूँ, और इसकी जो बोन्स हैं मैं उनको भी शो कर देती हूँ यहाँ पर। सो जितनी ज़्यादा डिटेलिंग आप ऐड करेंगे अपने फिगर में, उतना ही आपको रियलिस्टिक जो है लुक मिलता जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए इसमें इसके हैंड का मूवमेंट कर देती हूँ। सो इनका हाथ जो है कोई इस तरह से, कोई रॉड या दीवार या कुछ भी है जिस पर इन्होंने अपने हैंड को जो है इस तरह से पोज किया हुआ है। सो मैं इस तरह से एक हैंड को आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये थोड़े थोड़े से हल्के हल्के छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड करके आप अपने डिज़ाइन है, अपना फिगर है, उसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा क्रिएटिव दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं एकदम स्ट्रिक्ट मॉडल खड़ी कर दें, और आपको बहुत ज़्यादा अगर इलस्ट्रेशन टफ लगता है, सो इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड करके, छोटी छोटी सी थिंग्स को ऐड ऑन करके आप अपने इलस्ट्रेशन को और क्रिएटिव बना सकते हैं। आप इसमें बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको फेस बनाने में डर लगता है, सो अभी आप लोग सीख रहे हैं, अभी आप लोग बिगनर हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जो है जैसे जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं उसके साथ ही आप
हर फिगर में फेस जरूर ड्रॉ करें, हेयर स्टाइलिंग ज़रूर करें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और सीखते टाइम डरना नहीं चाहिए। और सीखते टाइम तो गलती करने का हमें राइट होता है क्योंकि हम सीख रहे हैं। सो आप अभी सीख रहे हैं बिना किसी टेंशन के, आप जैसा भी आपसे फेस ड्रॉ होता है, जैसी भी आपसे हेयर स्टाइलिंग होती है, आप कर सकते हैं मेरे साथ। आपको कोई भी डरने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको कैसे करेक्ट कर पाऊँगी, कैसे आपकी गलतियाँ बता पाऊँगी। सो आप कोशिश जो है वो ज़रूर करें, उससे ही आपको मैं करेक्ट कर पाऊँगी। सो जो हमारा फेस होता है उसको हमने सबसे पहले हाफ पोर्शन में डिवाइड करना है, फिर उसके हाफ, फिर उसके हाफ। वैसे तो मैंने फेस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसी वीडियो में आपको आई बटन पर वो फेस जो है वो दे दूँगी। सो आप वो देखकर बहुत ही डिटेल में फेस सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करके इसलिए बता दे रही हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो ये थ्री जो है वो हमारी आइडियल लाइन है। लाइक हमारा सबसे पहले एक इंच का ब्लॉक है तो उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर उसका हाफ जो है वो होगा 0.25, फिर उसका भी हाफ हम करेंगे। सो इस तरह से तीन पोर्शन में हमें अपने फेस को जो है डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद जो सबसे पहला पोर्शन है उस पर हमें हमारी जो है आईज ड्रॉ करनी है, और उसके जो नीचे हमने लाइन बनाई है उस पर हमें नोज़ ड्रॉ करनी है, और उसके नीचे जो लाइन है उस पर हमें लिप्स ड्रॉ करनी है। सो इस तरह से हमें जो है फेस की फीचर्स ऐड करने होते हैं। और आपसे कैसा भी फेस बन रहा हो आप बनाइए, आप बिल्कुल भी मत डरिए। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे जो है कॉन्फिडेंस अच्छे से आएगा काम करने में। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपके फीट हो गए, आपके हैंड मूवमेंट हो गए, आपका हेयर स्टाइल हो गया, और आपका जो फेस फीचर्स हैं वो हो गए। इन सब चीज़ों से आप लोग बहुत डरते हैं, जितना कि मैं आप लोगों से बात करके समझ पाई हूँ। सो मैं तो इतनी इजी तरीके बताती हूँ आपको, आई थिंक कोई भी नहीं बताता होगा। मैं एकदम अपनी स्पीड में जाके काम करके नहीं दिखाती, मैं आप लोगों के हिसाब से सोचती हूँ कि आप लोग इसको कैसे कर पाओगे। मैं आप लोगों की तरह ही जो है खुद को इमेजिन करके वर्क करती हूँ कि आप लोग कहाँ फंसेंगे, कहाँ पर आप लोगों से गलती हो सकती है। सो वही सब चीज़ें सोच सोच कर मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोग एक एक चीज़ को जो है वो अच्छे से सीख सकें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्पीड फेस बनाने की, एकदम धीरे धीरे से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर आप ईयर जो है वो ऐड कर देंगे, जो हमारा ईयर पोर्शन होता है वो जो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ की हैं उन्हीं दोनों लाइन के बीच में रहेगा। और आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि आप खुद को देखें, खुद को इमेजिन करें, आपके नोज़ कहाँ पर आ रहे हैं, आपकी आइज कहाँ पर आ रही, आपके ईयर कहाँ पर आ रहे हैं, आपके हैंड की फिंगर्स किस तरह से, आपका फीट मूवमेंट कैसा है। सो आप खुद को जब एक तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। आपको फुट मूवमेंट देखने हैं कि आपने खड़ा रखा है तो आपकी फिंगर्स कहाँ पे जा रही हैं, आपने अपने पैर को मोड़ा हुआ है तो आपकी जो शेप है पैर की वो कैसे जा रही है। सो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करके खुद को आप पहले देखें। और अगर आपको लगे तो आप गूगल से बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, उन सभी इमेज को अच्छे से देखें, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। सो आपका फैशन फिगर जो है वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। और इस फिगर में मैं आपको कलरिंग करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले प्रैक्टिस करें अच्छे से। सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस को जो है वो अच्छे से कर लें और उसके बाद आप कलरिंग पे जाएं। सो पहले आपको फैशन फिगर पे प्रैक्टिस करनी है, आफ्टर दैट आपको इस पे कपड़े अगर आपको पहनाने हैं तो मॉडल को किस तरह से पहनाने हैं वो, इन सब छोटी छोटी थिंग्स पर आप ध्यान दें। और जो हमारी एडवांस क्लासेस स्टार्ट होंगी मंथ ऑफ जून जुलाई से, सो उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं सारी डिटेल आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी एडवांस क्लासेस की। सो जब तक आप लोगों का ये बेसिक क्लास का सब कुछ अच्छे से नहीं हो जाता, सब बच्चे अपना काम भेज दें, सबको सर्टिफिकेट दे दूँ, उसके बाद मैं एडवांस क्लासेस जो है स्टार्ट करूँगी। और जिन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है सो उनको भी मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ।
सो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है और बहुत ही इजी वे में मैंने सब कुछ बताया है आज की इस क्लास में, ताकि आप लोगों को कहीं भी कुछ भी चीज़ सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से सीख सकें। सो आप भी ऐसे ही कुछ अच्छा से ड्रॉ करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेल पर भेज सकते हैं, और जितनी डिटेलिंग आपको इसमें ऐड करनी है आप करते जाइए, बट अभी आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ओर नहीं जाना चाहते हैं। सो आपको बस नॉर्मल थिंग्स बनाने ही हैं, नॉर्मल चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, और जो है वो अच्छे अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे शेयर करना है। सो जब रफली आप इसको ड्रॉन आउट कर लें, अपने सारे आइडियाज़ आपने ले लिए हैं, कहाँ पे आपको क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेलिंग जब आप इसकी कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप इसको जो है एक बार अच्छे से पेंसिल प्रेसर के साथ पूरी जो भी आपने ड्रॉ किया है जहाँ पे भी आपको कोई करेक्शन करना है वो कर लें, और फिर इसके बाद आप इसकी कलरिंग जो है वो कर सकते हैं। बट मैं इस क्लास में आपको कलरिंग करना नहीं सिखा रही हूँ, सो आप बस इतना ही करें और जो भी डिटेलिंग आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ आपकी जो बेसिक फैशन इलस्ट्रेशंस की क्लासेस हैं वो एंड होती हैं, और आई होप आप सभी को बहुत इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने इन क्लासेस को, आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला हो इन बेसिक क्लासेस से। सो ऐसे ही अपना काम करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करके और मुझे सेंड कीजिए, और अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो मुझसे आप लोग ले लें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।